दुनिया में शाने और फिल्मों में गाने हमेशा अच्छे प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ा देते हैं। और बात आप समझ ही गए होंगे, केजीएफ का नया गाना रिलीज हो चुका है जिसका नाम है फलक तू गरज तू। और भाई ये गाना फिल्म के इमोशनल लेयर को और बूस्ट करता है। केजीएफ में रॉकी के कैरेक्टर से हमारा जुड़ाव इसलिए हुआ क्योंकि फिल्म में हमने उसको स्ट्रगल करते हुए देखा। और देखो, जब भी हम स्क्रीन पर पावर वर्सेस वीकनेस की लड़ाई देखते हैं तो हमारा झुकाव दूसरी पार्टी की तरफ ज्यादा होता है, जबकि जिंदगी में हमें पावर कभी मिल जाए तो हम उसे छोड़ने का नाम नहीं लेंगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वेल, इस गाने में वो चीजें भर भर के डाली गई हैं जो आपको इस कैरेक्टर के लिए, इस व्यक्ति के लिए, इस पर्सनैलिटी के लिए, पर्सनैलिटी होती है। डॉकी भाई है तो पर्सनैलिटी होता है, पर्सनैलिटी नहीं। वेल सेड बउआ भाई। वेल, तो कहने का मतलब है इस कैरेक्टर के लिए और जुड़ाव पैदा करता है ये गाना। अब पहले पार्ट और इस वाले पार्ट में अंतर ये है कि फर्स्ट पार्ट में हमें कैरेक्टर के साथ सिंपैथी बनाने के लिए गाने जोड़े गए थे, लेकिन इस बार वो सक्सेस को कॉम्प्लीमेंट करने वाले गाने हैं जो रॉकी ने पा लिया है। मतलब पहले से दूसरे पार्ट में एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई, हालात बदल गए। रॉकी ने यहाँ दुनिया जीतने का वादा पूरा जो कर दिया। खैर, गाना शुरू होता है बहुत इमोशनल ट्यून के साथ जहाँ रॉकी की माँ की स्ट्रगल दिखाई गई है और उस पर पर्पस भी दिखाया गया जो रॉकी के एग्जिस्टेंस को कवर करता है। गाने के बोल भी उसी पे डेडिकेटेड है। इस गाने को वैसे तो लिरिकली रिलीज किया गया, लेकिन हमारे ख्याल से जब ये गाना आएगा तो आएगा नहीं छाएगा। रॉकी एक ऐसी सिचुएशन में होंगे जहाँ अधीरा और रवीना उसके खिलाफ ज्यादा मजबूत दिखाई देंगी। पिछली फिल्म में भी यही हुआ था कि रॉकी के सबसे वीक मोमेंट्स पर उनकी माता जी के ग्लिम्सेस दिखाए थे जहाँ से उनको मोटिवेशन मिलता है। और गाने के रिलीज के टाइम भी और उससे पहले भी केजीएफ की टीम ने ना बउआ भाई बड़े इमोशन के साथ सोशल मीडिया पर लिखा था, वॉइस ऑफ एवरी मदर, यानी दिस सॉन्ग विल बी ऑल अबाउट इंस्पिरेशन विच विल हेल्प रॉकी भाई टू बिल्ड हिज एम्पायर। क्या बात है, इंग्लिश बोल रहे हो? हाँ, रॉकी भाई के शान में तो हम फ्रेंच भी बोलने लगेंगे। अच्छा, फ्रेंच आती है बोलने? अरे आती है, बोल के बता। फ्रेंच। खैर, गाने को गाया है सुचेता बसरूड ने। और केजीएफ की बात करें तो इसके पिछले गाने तूफान ने सोशल मीडिया पे तबाही मचा रखी। पतझड़ से दिखने वाले लौंडे भी स्लो मोशन में तूफान रील बना रहे हैं। यूके की बात करें, मैं कर देता हूँ, वैसे भी इस फिल्म ने वहाँ पे भी तूफान मचा रखा। 24 घंटे के अंदर किसी भी दूसरी इंडियन फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस फिल्म ने 5,000 टिकट एडवांस बुकिंग में बेच दिए। वैसे इस गाने को कंपोज किया है रवि बसरूड जी ने, और क्या एक नंबर काम किया है, क्योंकि केजीएफ को सबसे खास उसका म्यूजिक भी बनाता है। मतलब कोई भी सीन उठा के देख लो और अगर उसका म्यूजिक उसके बैकग्राउंड से हटा दो ना तो फील ही नहीं आएगी, लेकिन वही लगा दो तो एक गाना। और कैसे लगा हमको ये आइडिया, ये जरूर कमेंट करिए।